थैंक्स फॉर अप्लाइंग विद एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब इन द यू के आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे ऑफर लेटर्स हर रोज आते होंगे और ये ऑफर लेटर इतने डिटेल वे में लिखे होते हैं कि हमें लगे कि ये बिल्कुल रियल हैं बट दीज ऑफर लेटर्स कैन बी फेक सो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू चेक इफ एन ऑफर लेटर इज फेक और रियल वेलकम टू फ्लिक्स वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे मेन चेक पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और अगर आप ये सब कर चुके हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो जैसे ही हमें अपने इनबॉक्स में कोई ऑफर लेटर आता है हमें खुशी तो बहुत होती है बट बी वेरी केयरफुल दीज ऑफर लेटर्स कैन बी फेक सम पीपल इन सम डार्क कॉर्नर्स ऑफ द इंटरनेट वॉन्ट्स टू मेक सम ईजी मनी फ्रॉम यू सो लेट्स फाइंड आउट हाउ टू अवॉइड सच सिचुएशंस एंड वेरीफाई कैसे करें कि जो ऑफर लेटर आपको आया है वो जेनुअन है या नहीं जो सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो है चेक द कंपनीज डिटेल ऑन यूके गवर्नमेंट वेबसाइट तो यूके में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं उनकी डिटेल्स आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर चेक कर सकते हो इसमें इनकी लीडरशिप डिटेल्स इनकी जो लास्ट टैक्स फाइलिंग होती है उनके बारे में डिटेल होती है तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो कि कंपनी जेनुअन है या नहीं है इस पोर्टल का लिंक आपको अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया है तो आप डायरेक्टली पे कंपनी नेम से सर्च कर सकते हैं तो तो ये है यूके यूके गवर्नमेंट की की वेबसाइट पर हम UK में रजिस्टर्ड कंपनीज डिटेल्स को चेक कर सकते हैं uh, so

बट हम ये चेक करना है कि वो कंपनी आपको वीजा भी दे सकती है या नहीं दे सकती तो इसके लिए भी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अप्रूव्ड अप्रूवर की लिस्ट होती है ये लिस्ट ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे अपडेट होती है तो इसमें आप कंपनी का नाम वेरीफाई करें जिससे आपको ऑफर लेटर आया उसका नाम वेरीफाई करें कि वो अप्रूव्ड स्पॉन्सर में है या नहीं है इसका लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कैसे आप कंपनी को वेरीफाई कर सकते हैं तो ये है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट जहां पर हमको अप्रूव स्पॉन्सर की लिस्ट मिलती है

इसको पर्सनल फाइनेंस इसको स्टोर्स लिमिटेड सो दे आर स्किल्ड वर्कर एंड इंट्रा कंपनी रूट्स सो दे कैन प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ वीजा आई एंड स्किल वर्कर तो यहाँ से हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि ये कंपनी एक अप्रूव स्पॉन्सर है और ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं जिस कंपनी से आपको ऑफर लेटर आया कि वो एक अप्रूव स्पॉन्सर है या नहीं थर्ड पॉइंट आपको जो ऑफर लेटर आया है आपको उसमें चेक करना है कि आपका जॉब ऑक्यपेशन कोड क्या है

अब चेक करें अगर ट्रावर की जॉब पे लिस्टेड है नहीं है तो मिलेगा तो जिस भी डोमेन में आप काम करते हैं हमको आइडिया होता है कि हमारा इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है एटलीस्ट थ्री टू फोर राउंड इंटरव्यू होंगे ही होंगे जिसमें अपना पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यूज होंगे उसमें एक या दो और फिर उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा मेनली जो ऑफर लेटर जो फेक होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको एक सिंपल एक कॉल आता है और उस पर कॉल पे हल्की फुल्की डिस्कशन होती है वो आपकी बल्कि प्रेज भी करते हैं थोड़ी बहुत और फिर आप उसके बाद एकदम से आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इस केस में ये ये जेनुअन होगा या नहीं होगा क्योंकि इतना ईजिली कोई आपको जॉब ऑफर नहीं देगा तो आपको इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपको ऑफर लेटर आया कैसे है प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हुआ है या फिर बिना इंटरव्यू के या फिर एक सिंगल इंटरव्यू के बाद ही आपको ऑफर लेटर आ गया है इसमें एक और चीज वेरीफाई करने की जो ऑफर लेटर आपको आया है वो कंपनी की रजिस्टर्ड ईमेल से आया है या किसी पर्सनल ईमेल से आया है और फॉर एग्जांपल सो लेट्स से कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसकी तरफ से जब ये ऑफर लेटर आपको आएगा तो जो ईमेल होगी उसमें सम लेट से एच आर एट होगा कि वो कंपनी के डोमेन से आया कंपनी की जो खुद की ई है उससे आया है ना कि किसी पर्सनल ई से तो ये भी एक आपको वेरीफाई करना चाहिए कि किस ई से आपको ऑफर लेटर आ रहा है एंड द लास्ट पॉइंट आर दे आस्किंग यू फॉर एनी काइंड ऑफ मनी इफ़ येस दैन चांसेज आर हाई कि ऑफर लेटर फेक है अगर कोई भी कंपनी आपसे वीजा फीस या फिर स्पॉन्सर फीस या फिर एयर टिकट्स के लिए पैसा मांग रही है तो चांसेज आर हाई की वो फेक ऑफर लेटर होगा या कंपनी भी फेक हो सकती है तो क्योंकि कोई भी कंपनी जो जेन्यन कंपनी होगी जो आपको जॉब ऑफर भी दे रही है वीज़ा भी दे रही है तो वो इन चीज़ों को खुद मैनेज करेंगी मे uh, भी आपको एयर टिकट्स खुद अपना लेना पड़ सकता है जेन्यून ऑफर केस में आपसे बात कर रहा हूं कोई भी अगर आपसे पैसा मांग रहा है तो ये एक बड़ा रेड अलर्ट है कि या वो ऑफर लेटर फेक हो सकता है तो बस ये थे सारे चेक पॉइंट्स कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई ऑफर लेटर फेक है या रियल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय